गढ़ी बीरबल बस स्टैंड पर स्कूली विद्यार्थियों ने आज बसों को रोककर अपना रोष प्रकट किया। मंत्री करण देव का पहुंच के आश्वासन के बाद छात्रों ने बसों को जाने दिया। गौरतलब है कि गढ़ी बीरबल करनाल मार्ग पर बसों के समय ठीक न होने के कारण इस मार्ग पर से जाने वाले छात्रों द्वारा इससे पहले भी कई बार बसों को रोका गया है। बार बार रोडवेज विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी इन बसों की समय सारणी को ठीक नहीं किया जा सका, जिससे खफा होकर आज फिर से छात्रों को बसों को रोकना पड़ा। आज इसी मार्ग से गुजर रहे खाद्य आपूर्ति मामले मंत्री करण देव कंबोज ने इनकी समस्या को सुना और तुरंत परिवहन विभाग के GM को फोन कर पूरी जानकारी ली और आदेश दिए कि इस रूट पर चलने वाली बसों के समय ठीक किए जाएं। इसके बाद मंत्री द्वारा कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया गया। मंत्री करण देव कंबोज ने बताया कि इस मार्ग पर चल रही बसों के समय में दिक्कत आ रही थी, मैंने GM रोडवेज को इसकी पूरी जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया ही शीघ्र ही गढ़ी बीरबल बस स्टैंड पर समय सारणी लगा दी जाएगी ताकि सवारियों को बसों के समय के बारे में जानकारी मिल सके और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई कर्मचारी गलत पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ जो है ना रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनकी वजह से जो 5 बसें हमारी करनाल से गढ़ी बीरबल रोड पर चलती हैं उनके टाइम को लेकर के आज कुछ बच्चों ने इकट्ठे होकर के जाम लगाया था और वो बच्चों की बात जो है ना बिल्कुल व्यावहारिक थी। कुछ रोडवेज के कर्मचारी जानबूझ करके इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करते हैं, तो आज मैंने उसी समय अधिकारियों से बात करके कहा भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करके और आज उचित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और जो रूट पर चलने वाली बसें हैं उनका ठीक प्रकार से शेड्यूल वो लोगों के सुविधा के लिए वो ठीक प्रकार से चलें तो उसके लिए जो है ना उनका शेड्यूल उसका जो टाइम टेबल है मैंने वो भी आदेश कर दिया कि गढ़ी बीरबल बस स्टैंड स्टॉपेज के ऊपर भी जो है ना उसका बिल्कुल जो है ना वो वहाँ उस पर लगाएं ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सी बस किस समय आने वाली है, तो सारे के सारे जो है ना वहाँ उसके ऊपर डिस्प्ले कर देंगे तो लोगों को पता होगा कि हमारी बस किस समय आएगी और किस समय हमारे यहाँ से हमने जाना चाहिए। देखिए अभी जो है ना GM उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर वाकई में कोई दोषी पाएगा तो निश्चित रूप में जो है ना उसको सस्पेंड करेंगे। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।